नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी गत 5 दिनों से जेल में भूख हड़ताल पर हैं। उनके साथ कर्मचारी नेता मोहन सिंह भाटी भी 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। अब पूरे प्रदेश में उनके समर्थन में पिछले कई दिनों से लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। युवाओं द्वारा धरने प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब राज्य की राजनीति के दो बड़े चेहरे रविंद्र सिंह भाटी एवं मोहन सिंह भाटी के समर्थन में उतरे हैं। देवी सिंह भाटी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ जो फिलहाल उपनेता प्रतिपक्ष हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ और देवी सिंह भाटी दोनों ने ही सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को जो बातें बोली हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के लिए सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से बातें बोली। सबसे पहले देवी सिंह भाटी ने कहा है कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और कर्मचारी नेता मोहन सिंह भाटी जोधपुर पुलिस की हिरासत में सेंट्रल जेल में गत 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। राजस्थान सरकार व जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करता हूं कि छात्रों व कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से सकारात्मक कार्यवाही करें। तो देवी सिंह भाटी ने विश्वविद्यालय प्रशासन और साथ ही सरकार से दोनों से आग्रह किया है कि छात्रों की और कर्मचारियों की मांगों पर जल्दी से कुछ न कुछ एक्शन लिया जाए और सकारात्मक कार्यवाही की जाए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जेएनवीयू के दीक्षांत समारोह में पेंशन और अन्य परिलाभ की मांग को लेकर आंदोलनरत जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और सेनानिवृत्त कर्मचारी नेता मोहन सिंह जी को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना और जेल में अनशन पर बैठे दोनों नेताओं की मांगों पर संज्ञान नहीं लेना निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र राजनीति से हिंदुस्तान की राजनीति कई बार बदली है। मैं खुद भी छात्र राजनीति के दौर से निकला हूं। दोनों नेता जोधपुर जेल में हैं, 5 दिन से अनशन व भूख हड़ताल पर हैं। प्रशासन तत्काल प्रभाव से इनकी मांगों पर संज्ञान ले, अन्यथा युवाओं के साथ मैं खुद भी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ूंगा। यानी कि सीधी सीधी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी है सरकार को, प्रशासन को, कि इनकी मांगों पर जल्दी से जल्दी प्रभावी तरीके से संज्ञान ले और इनकी मांगे ध्यान में रखे सरकार, उनकी मांगों को माने, नहीं तो खुद युवाओं के साथ सड़क पर उतरने और इनके समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष ने सीधी सीधी सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है। बाकी की अगर इस बारे में कोई और लेटेस्ट अपडेट आती है रविंद्र सिंह भाटी छात्र संघ अध्यक्ष और मोहन सिंह जी भाटी कर्मचारी नेता के बारे में, तो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।